बिहार की राजनीति में हत्याकांडों पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रचलन काफी पुराना है। गोपालगंज में हुए तिरहे हत्याकांड के बाद से राजद नेतृत्व तो काफी आक्रामक हो चुका है। वाकई विपक्ष का काम है कि सरकार के निष्क्रियता पर चोट कर उसे सजग करना, लेकिन विडंबना देखिए कि इसमें सकारात्मक सक्रियता कम राजनीतिक रोटी सेकने की जल्दबाजी कुछ ज्यादा ही दिखाई देती है। सबको पता है कि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जनता राजनीतिक पार्टियों के मुकद्दर का फैसला लिखने वाली है। बिहारी सियासत के शतरंज पर जातीय मोहरों की चाल और ताल के सहारे राजनीतिक पार्टियां चुनावी बैतरनी पार करने में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती, ऐसा पहले भी देखा गया है। लेकिन अफसोस कि हत्याकांडों पर भी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां व्यक्ति और जाति का शर्मनाक चुनाव करने से बाज नहीं आती। अब समय की सुई को करीब 5 साल पहले यानी जून 2015 में ले जाकर टिका देते हैं। याद कीजिए, इसी महीने में बाढ़ में हुए एक हत्याकांड ने सत्ता के गलियारे में भूचाल मचा दिया था। जी हाँ, उस हत्याकांड का नाम है पुटुस यादव हत्याकांड। बताया जाता है कि बाढ़ का रहने वाला पुटुस यादव पर आरोप था कि वह सरे बाजार लड़कियों को छेड़ता था। यह बात मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के दरबार में पहुंची तो विधायक ने पुटुस यादव को अपने दरबार में पेश करने का फरमान जारी किया। फिर बाहुबली विधायक के गुर्गो ने पुटुस यादव को बाढ़ से उठाकर अनंत के दरबार में पेश कर दिया। सजा मुकर्रर हुई, फिर विधायक आवास में ही पुटुस यादव और उसके दोस्त की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद पुटुस यादव का शव बाढ़ के टाल इलाके में बरामद हुआ। पुटुस यादव की हत्या की खबर जैसे ही सामने निकलकर बाहर आई तो बिहार की सियासत में सनसनी मच गई। इस हत्याकांड में जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम सामने आते ही राजद सुप्रीमो लालू यादव आग बबूला हो गए और फिर पुटुस यादव हत्याकांड एक ऐसी राजनीतिक रोटी बन गई जिसे हर कीमत पर राजद अपने चूल्हे पर पकाना चाहती थी। राजद उसमें सफल भी रही। लालू यादव मीडिया में आकर लगातार कहते रहे कि विधायक अनंत सिंह ने पुटुस की हत्या कराई है, हमारी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हो गई है, बिहार की पुलिस सुशासन के प्रति संकल्पित है। इसके बाद विधायक अनंत सिंह को उनके आवास से भारी ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लालू यादव जिस मकसद से इस मुद्दे को उठाया था उसमें वो कामयाब हो गए। वे यह बताने में सफल रहे कि यादवों का असली नेता व संरक्षक वही है। पुटुस यादव हत्याकांड के बाद लालू यादव की सत्ता आबाद हो चुकी थी। तभी ठीक एक साल बाद सिवान में एक दैनिक अखबार के एक पत्रकार को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। जी हाँ, बता दें उस पत्रकार का नाम था राजदेव रंजन यादव। सिवान एक बार फिर सुर्खियों में था और इस हत्याकांड में जेल के अंदर बैठे राजद के कद्दावर नेता पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आ चुका था। विपक्षी पार्टियां उबल रही थी, बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार आक्रामक विचार रख रहे थे, लेकिन यादवों के संरक्षक लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा मौन साधे बैठा था। अपने दामन पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्याकांडों का दाग लिए बैठे शहाबुद्दीन राजद के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। सत्ता में बैठी राजद को कुछ सूझ नहीं रहा था, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मातम पुरसी के नाम पर राजद का कोई बड़ा नेता यादव कुल में जन्मे राजदेव रंजन के परिवार से मिलने तक नहीं गया। पुटुस यादव हत्याकांड पर आक्रामक लालू यादव और उनकी पार्टी के पैर सिवान जाने के नाम पर भारी हो चुके थे। गौरतलब है कि राजदेव रंजन हत्याकांड पर बोलने से राजद का परंपरागत मुस्लिम का वोट बैंक बिगड़ने का डर था, क्योंकि इसमें सीधे सीधे राजद के कद्दावर नेता और बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम सामने आ चुका था। यही वजह रही कि एक पत्रकार जो यादव कुल से था उसकी हत्या पर बात बात पर उबलने वाली पार्टी कुंडली मारकर बैठ गई। गोपालगंज का तिरहा हत्याकांड वाकई सुशासन के गिरते इकबाल का परिचायक है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में अपराध की बाढ़ आ गई है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे अपराध की रफ्तार कानून के मुंह पर तमाचे से कम नहीं। एक विपक्षी पार्टी और प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव का आक्रामक होना जायज है, होना भी चाहिए। गौरतलब है कि तिरहे हत्याकांड के सिलसिले में सोशल मीडिया का सहारा लेना और लॉकडाउन में घायल से मुलाकात करने जाना, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और अब राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करना अच्छी बात है, लेकिन क्या ठीक इसी तरीके से कुछ ही दिन पहले गया के सिंधुआरी में दबंगों ने
जब 4 लोगों को गोलियों से भून दिया था तब यह सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए थी। बात बात ट्वीट करने वाले तेजस्वी यादव सिंधुआरी कांड में घायल या मृतक के परिजनों से मुलाकात करने या मीडिया में आकर बात करने और राजभवन मुलाकात करने की बात छोड़िए, एक ट्वीट करना भी मुनासिब नहीं समझा था। बता दें कि पुटुस हत्याकांड में जिस तरह से एक बाहुबली विधायक का नाम सामने आया था जो अगड़ी जाति से थे, ठीक उसी तरीके से चुनाव से कुछ महीने पहले गोपालगंज में जेपी यादव के परिवार के तिहरे हत्याकांड में भी एक बाहुबली विधायक का नाम सामने आ रहा है। यह विधायक भी अगड़ी जाति से है। अब मौका है राजनीतिक रोटी फेंकने का। एक बार फिर से संभवतः राजद इसमें चूकना नहीं चाहता। बेशक गोपालगंज हत्याकांड के दोषियों को अविलंब सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिंधुआरी घटनाक्रम पर चुप्पी साधने वाली राजद और उसके नेता की आक्रामकता घटनाक्रम के अनुसार बदल क्यों जाती है? क्या यह वोटों के समीकरण को चुनावी माहौल से ठीक पहले साधने का घिनौना सच नहीं? कभी राजदेव रंजन यादव के यहाँ जाने की भी सोच लेते, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। इस पर हर पार्टी को विचार करना चाहिए कि आज़ादी के इतने साल बाद भी सियासत में सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति कब तक होती रहेगी? संभव तो यह भी था कि हत्याकांडों पर सेलेक्टेड राजनीति की बजाय अपराध को अपराध की नजर से देखकर सामाजिक न्याय और विकास की सियासत करते। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।